न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोक कल्याण के लिए योगी ने किया अपने मठ में रुद्राभिषेक, महादेव से मांगी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही मानवता के कल्याण की मन्नत। सुबह करीब आधे घंटे बिताया समय गौशाला की गायों की सेवा में, 10 बजे लखनऊ के लिए हुए रवाना। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 पर आई शर्मी की स्पेशल ट्रेन में मिला एक व्यक्ति का शव। ट्रेन के उस बोगी में सफर कर रहे गोरखपुर के 12 लोगों के साथ सभी 42 लोगों को किया गया क्वारंटाइन, शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू विमान की उड़ान के मद्देनजर कमिश्नर डीआईजी डीएम एसएसपी ने किया एयरपोर्ट का निरीक्षण। कहा, सभी यात्रियों एवं उनके सामानों का कराया जाए सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाए ध्यान, प्रीपेड टैक्सी की हो व्यवस्था। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गेहूं खरीद की मंडल स्तरीय बैठक। बोरे की उठान की रिपोर्ट संतोषजनक न होने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर देवरिया के जिला पूर्ति अधिकारी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण लेने के दिए निर्देश। डीएम और एसएसपी ने किया 100 बेड की टीबी अस्पताल तथा पिपराइज के हॉट स्पॉट का निरीक्षण। कहा, कोई न जाने पाए बाहर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई जेईएस टास्क फोर्स की बैठक। आशा कार्यकर्तियों के सामंजस्य बैठाकर कार्य करने के दिए निर्देश। एसडीएम सदर ने पिपराइज क्षेत्र के हॉट स्पॉट का किया निरीक्षण। तहसील सभागार में बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शनिवार को 19 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 21,000 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर स्टेशन। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर सीएम योगी को दिया धन्यवाद। परिवहन निगम की बसों से अपने गंतव्य को हुए रवाना। चिराग तले अंधेरा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय के ठीक पीछे बने कोविड-19 के कंट्रोल रूम के बगल में लगा कूड़े का अंबार। स्वास्थ्य महकमा की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान। एसपी साउथ ने ग्रामीण क्षेत्र में बने चेक पोस्ट और वाहनों की चेकिंग का किया निरीक्षण। कहा, शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे के पहले बेवजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। एडीएम सिटी ने लोगों से की अपील। कहा, शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए घर में रहकर मनाए ईद का त्योहार। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सहजनवा अनुज मलिक के निर्देश पर सहजनवा की कम्युनिटी किचन का खाद्य विभाग ने किया निरीक्षण। व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। ईद के मद्देनजर शनिवार को नखास चौक और शाह मारूफ की गली में सजी रही सेवइयों की दुकानें। लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों की खरीदारी में आई भारी कमी। और लॉकडाउन के चौथे चरण में शनिवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल। एडीएम सिटी ने कहा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन न करने वाली दुकानों को किया जाएगा सील।